नमस्कार दोस्तों सुरेंद्र हेल्प चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप तीन तरीका से राशन कार्ड चेक कर सकते हैं जो आपका राशन कार्ड में नाम है या नहीं है सबसे पहला तरीका जो है आप का, राशन कार्ड लिस्ट में किस प्रकार से नाम चेक करते हैं ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके गाँव में कौन कौन व्यक्ति का राशन कार्ड लिस्ट में नाम है ये भी आप देख सकते हैं ये तो हो गया पहला तरीका और दूसरा तरीका है ए, राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है यानी राशन कार्ड आपके पास पहले से है तो राशन कार्ड नंबर डाल करके और उसमें आप पता कर सकते हैं जो आपके राशन कार्ड में कितना फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है राशन ए, आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है और तीसरा तरीका है आवेदन नंबर से यानी जब भी आप ब्लॉक में आवेदन दिए होंगे तो आपको एक रिसीविंग मिला होगा उस रिसीविंग नंबर से आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये तीन तरीका एक ही वेबसाइट से आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है ठीक है ओपन करने के बाद अब आपके सामने में एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर आपको सर्च के क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं एक ई बिहार लिखा हुआ है इसके ऊपर में सिंपली एक बार आपको क्लिक कर देना है ठीक है या तो आप सर्च बार में भी टाइप कर सकते हैं ई बिहार और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में एक लिंक मिल जाता है देख सकते हैं ई बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये लिंक है ठीक है इसके ऊपर में एक बार आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार तो यहाँ से आप एक ही वेबसाइट से तीन तीन चीज़ आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले राशन कार्ड लिस्ट में नाम देख सकते हैं अगर आपके पास पहले से राशन कार्ड नंबर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अगर आप ब्लॉक में जाकर के आवेदन दिए होंगे तो उस रिसीविंग से भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक मिल जाता है आर सी एम एस रिपोर्ट ठीक है इसके ऊपर में एक बार आपको क्लिक करना है इसके ऊपर में क्लिक कर देना है आर सी एम एस रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब आपको क्या करना है ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें से आपका जो जिला का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर जो भी ज़िला है आपका यहाँ पर सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाएगा यानी बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है शो वाला जो ऑप्शन है नीचे में देख सकते हैं शो का ऑप्शन इसके ऊपर में क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आपके सामने में यहाँ पर दो लिंक मिल जाता है एक है रूरल एक है अर्बन यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो ये वाला जो हाइपरलिंक नंबर है इसके ऊपर में क्लिक करना है अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हाइपरलिंक जो नंबर है इसके उसके ऊपर में क्लिक करना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर रू रल के ऊपर में क्लिक कर देते हैं अब उस ब्लॉक आपका इसमें से कौन है ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है ठीक है आपका जो ब्लॉक का नाम है इसमें से सारा ब्लॉक का नाम मिल जाएगा ठीक है तो इसमें से ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद पंचायत का नाम खुल के आ जाएगा तो पंचायत के नाम इसमें जो भी है आपका उसको उसके ऊपर में क्लिक करना है ये हाइपरलिंक लिंक नंबर है इसी के ऊपर में क्लिक करना है जो भी नाम है ठीक है तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर उस पंचायत में कितना गांव है वो यहाँ पर आ जाएगा तो इसमें से आपका जो गांव का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए इसके ऊपर में क्लिक कर देते हैं उसके बाद देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स यहाँ पर खुल के आ चुका है तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा कार्ड का टाइप राशन कार्ड होल्डर नेम फादर का नाम और उस राशन कार्ड में कितना मेंबर जुड़ा है ये मिल जाएगा और आपका राशन कौन से डीलर के यहाँ पर मिलेगा उसका भी नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो चलिए यहाँ से आप इसको ए, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जो राशन कार्ड में पांच व्यक्ति है तो उसका नाम क्या है पिता पति का नाम क्या है मोबाइल नंबर क्या है उसको चेक करने के लिए एक यहाँ पर जो है हाइपर लिंक नंबर राशन कार्ड नंबर है इस इसके ऊपर में क्लिक कर देना है किसी के ऊपर में क्लिक कर सकते हैं और आपके गांव में जितना भी राशन कार्ड बना है वो सारा लिस्ट इसमें है ठीक है तो यहाँ से चेक कर लेना है तो चलिए यहाँ पर प्रिंट कैसे लिया जाता है तो किसी राशन कार्ड नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर के ऊपर में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स खुल के आ गया है यहाँ पर राशन कार्ड संख्या कार्ड का प्रकार कारधारी का नाम और यहाँ पर देख सकते हैं पता मिल जाएगा मोबाइल नंबर का आखिरी फोर डिजिट मिल जाएगा ठीक है कौन सा डीलर है ये भी मिल जाएगा और कितना फैमिली का नाम है ये भी मिल जाएगा पिता पति का नाम उम्र और यहाँ पर मुखिया से क्या संबंध है ये भी यहाँ से देख सकते हैं इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट पेज के ऊपर में क्लिक करके आप इसको आसानी से ए, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके आप राशन ला सकते हैं तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका ठीक है और दूसरा हम तरीका बताते हैं इसको बैक करते हैं अगर इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो नीचे में देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः ये पेज नंबर है इसके ऊपर में क्लिक करके अपना नाम खोज करके और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये हो गया पहला तरीका जो राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे चेक करते हैं अब आपको बतलाते हैं जो राशन कार्ड नंबर से आप भी कैसे चेक करते हैं जो उसमें कितना फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है ठीक है तो चलिए इसको हम बैक करते हैं और होम पेज पर चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह से बैक करते हैं और यहाँ पर फिर से आ गए हैं ये खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभाग वाला पेज पर ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा तरीका जो है आर सी डिटेल्स का ठीक है और नीचे में जो है आर सी डिटेल्स इसके ऊपर में क्लिक करना है और राशन कार्ड नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये चार नंबर वाला पर क्लिक करते हैं पाँच नंबर वाला पर ठीक है तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रूरल और अर्बन यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल के ऊपर में टिक रहने देना है और यहाँ पर जिला का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को फिल करना है उसके बाद सर्च के ऊपर में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर जिला का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला का नाम सेलेक्ट कर लिए हैं और इसमें राशन कार्ड नंबर फिल करना है ठीक है तो चलिए किसी का राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिला का नाम सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर फिल कर दिए हैं ठीक है उसके बाद सर्च वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर में क्लिक करते हैं इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद देख, देख, देख सकते हैं उस राशन कार्ड में कितना फैमिली देख का नाम जुड़ा हुआ है आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में मेंबर आईडी मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर जिसके नाम से राशन कार्ड नाम राशन कार्ड में नाम है उसका नाम मिल जाएगा पिता पति का नाम मिल जाएगा मेल फीमेल एज और यहाँ पर आधार नंबर का फोर फोर डिजिट आखिरी का देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें देख सकते हैं स्टेटस में राशन कार्ड में आधार कार्ड सभी का लिंक है या नहीं ये भी यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर सभी देख सकते हैं सभी में आधार कार्ड एक्टिव है यानी आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है तो ये हो गया पहले से अगर आपको राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर डाल करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं जो कितना फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है ठीक है तो ये हो गया दोस्तों दूसरा तरीका अब हम आपको बतलाते हैं जो तीसरा तरीका क्या होता है अगर आपको पहले से आवेदन नंबर है यानी जब भी आप राशन कार्ड के लिए ब्लॉक में या अनुमंडल में अप्लाई किए होंगे तो आपको एक रिसीविंग मिला होगा उस रिसीविंग से आप आसानी से चेक कर सकते हैं जो आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है ठीक है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो है लिंक वन इसके ऊपर में एक बार आपको क्लिक करना है ठीक है लिंक वन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर अप्लीकेशन स्टेटस जो दूसरा नंबर में है ये इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर में जो जिला का नाम है जिला का नाम पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका जिला का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करना है और नीचे में ये आर टी पी एस संख्या रिसीविंग में मिला होगा तो उस रिसीविंग में से यहाँ पर फिल कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिला का नाम अनुमंडल का नाम और आर टी पी एस संख्या यहाँ पर फिल कर दी है सौ के ऊपर में क्लिक करते हैं शो so, के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है यहाँ पर देख सकते आर टी पी एस नंबर रेड कलर से मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है रेड कलर से मिलेगा उसके बाद किस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड है और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में आपका क्या बताता है आवेदन का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है इसका मतलब है जो आपका जो आवेदन है वह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यानी कर दिया गया है सिग्नेचर आपका राशन कार्ड बन चुका है आप प्रिंट कर सकते हैं तो आप लिस्ट में जा कर के नाम चेक करेंगे उसके बाद उसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये तीन तरीका मैं आपको बताया हूँ तो इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं जो आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है लिस्ट में अगर नाम है तो कैसे प्रिंट किया जाता है और राशन कार्ड नंबर है तो उसमें भी आप राशन कार्ड नंबर डाल करके और चेक कर सकते हैं जो कितना फैमिली का नाम है ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद